डेफ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डेफ भरना कैसे है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डेफ में ऐसी चीजें लिख देते हैं जो हम सच में बिलीव नहीं करते हैं या हमने सच में की नहीं हुई होती हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर इट बिकम्स अ बर्डनसम थिंग। और कहीं ना कहीं आपने अगर ऐसी चीज कोई मेंशन करी है जो कि झूठ है या फिर आप उतने अच्छे तरीके से उसके लिए तैयार नहीं है, तो आपके इंटरव्यू प्रोसेस में स्ट्रगल करने के, कहीं ना कहीं किसी लूपहोल में फंसने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम जब डैफ डैफ को फिल कर रहे हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका मेंस का फॉर्म होता है, जब आप उसको फिल कर रहे होते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आप जो फिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो। दूसरा, आप जो चीज फिल कर रहे हैं उसके बारे में आपको अंदाजा हो, कुछ ना कुछ नॉलेज हो। मतलब ऐसा है कि एक मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला और मैं अगर अपने डैफ में लिख दूं कि आई प्ले फुटबॉल, देन कहीं ना कहीं जब मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर दे रही होंगी तो जो कन्विक्शन आना चाहिए मेरे बोलने में, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में, वो नहीं आएगा। तो इस चीज से हमें बचना है। हम फेशियल एक्सप्रेशन और टोन इस सब के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वो कहाँ से आता है? वो आता है जब आप अपने ट्रुथफुली अपने आप को रिवील कर रहे होते हैं, तब आता है। जहां पर आपने ज्यादा फेक करने की कोशिश करी, वहीं पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन टोन से पता चलने लग जाता है कि हाँ, देयर इज समथिंग फिशी अराउंड देयर उन आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो अब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप अच्छे से अपने आप को, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो आपने अवार्ड्स जीते हैं, प्राइजेस जीते हैं, आपकी आपका बैकग्राउंड, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आपने भर दिया, आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, एंड नाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर डैफ। आपको पता होगा ना, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिकली वी नीड टू सी थ्री एंगल्स। फर्स्ट, डैफ, आपका डैफ अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो जैसे कि आप, आपके अंदर कौन सी बुराइयां हैं, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, व्हाट आर योर प्रोज, व्हाट आर योर कॉन्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके रोल मॉडल्स कौन है, ये सब आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ से एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करता है। तो अभी हम जो पोर्शन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं डैफ। तो हमने देखा डैफ कैसे भरना है, अब डैफ के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके लिए एक रजिस्टर ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, और उसके हर पेज पे, एक पेज और ये दो पेज, यहाँ पे आप लिख लीजिए नेम। उसी तरह जो नेक्स्ट वाला आएगा, जो नेक्स्ट पेज होगा, वहां पे लिख लीजिए योर एड्रेस, उसके नेक्स्ट पे योर रिलीजन। जितनी भी एंट्रीज आपके डैफ में आपने करी हैं, जितनी भी एंट्रीज आपने, नाम लिखा है आपने, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है आपने, अपना रेजिडेंस एड्रेस लिखा है आपने, अपना ऑप्शनल का पेपर का वो लिखा है, कौन सा ऑप्शनल आपने लिया, आपने अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपने अपनी हॉबीज, हर शब्द को एक अलग पेज पे आप लिख लीजिए और उसके आगे एक पेज और छोड़ दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने नेम लिखा, ये आपका रजिस्टर है, आपने यहाँ पे नेम हेडिंग डाली है आपने जिसके लिए प्रिपेयर करना है। तो पहला, आपके नेम का मीनिंग क्या है, आपने क्वेश्चन बना लिया। दूसरा, इस नाम के क्या और बहुत कोई फेमस लोग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब किसी को, किसी का नाम चंद्रशेखर है, और अगर उसे चंद्रशेखर के बारे में नहीं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं पता, या ऐसे फेमस पर्सनालिटीज के बारे में नहीं पता, तो मतलब एक एक क्वेश्चन आता है ना कि आप इतने अवेयर भी नहीं है कि आपको अपने नाम का मतलब पता हो, या आप अपने नाम की कॉरेस्पॉन्डिंग जो फेमस लोग हैं उनके बारे में पता हो। मतलब दिस इज समथिंग विच एग्जामिनर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स यू टू नो। उनको लगता है कि इतना क्यूरियस और अवेयर एक यूपीएससी ऑफिसर, यूपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर को होना चाहिए कि उसको इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस हो। इसी तरह तीसरा, मतलब आप इसी इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस बनाते जाइए जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं। एक बार आपने एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, देन यू कैन स्टार्ट
आंसरिंग इट। आप यहाँ पे अपना इसी के आगे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाइए कि मेरे नाम के ये लोग इतने फेमस हैं, वो इस सन में पैदा हुआ, उसने ये अकम्प्लिश किया, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा डैफ एक रिपोजिटरी बन जाएगा इंफॉर्मेशन की। जैसे कि आप खुद सोचिए कि अगर आपसे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेते टाइम आपने उसका डैफ खोला और वहां पे उसने लिखा हुआ है आई लव रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो अब आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? आप खुद सोचिए, आप खुद मतलब यू नो टेक टेक लाइक 10 सेकेंड्स एंड थिंक व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क। सो व्हाट क्वेश्चंस आई विल आस्क आई विल टेल यू। अगर बुक है तो पहली चीज कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, आपका जॉनरे क्या है, क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू यू रीड, हाउ मच, कितनी पढ़ ली आपने अभी तक बुक्स, अच्छा जो आपने लास्ट बुक पढ़ी उसका जिस्ट बताइए मुझे, लास्ट का जिस्ट बताइए, आपने कौन कौन से फेमस ऑथर्स को पढ़ा है, समझ रहे हैं। तो एक ही टॉपिक से लगभग आप कम से कम 8-9, और अगर बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक हो तो आप कम से कम 10-15 नए क्वेश्चंस बना सकते हैं एक ही टॉपिक से। और एक बार आपके पास ये पूरा सिस्टम आ गया, पूरा ये आपके पास आ गया जिसके अंदर आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया, एक बबल बना लिया जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स आ गए, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।